हेलो एवरीवन, आई एम शोभिता। आई एम श्योर आप मेरे वीडियोस को मेरे चैनल शोभिता टॉक्स पे देख रहे होंगे और उनको आप समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा होगा। अगर नहीं करा है तो प्लीज़ आप कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियोस बहुत ज़्यादा यूज़फुल और बेनिफिशियल हैं उन लोगों के लिए जो कि इंग्लिश को समझना चाहते हैं और प्रैक्टिस करके उसको बोलना चाहते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इंग्लिश बोलना आपको नहीं आएगा ठीक से। आपको एक तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है। आप मिरर के सामने खड़े होकर कोई न्यूज़पेपर उठा के उसको पढ़ने की कोशिश करिए, या कोई बुक उठा के उसको पढ़ने की कोशिश करिए, या ये वीडियोस ही मेरे आप अपना फ़ोन या आईपैड जिस पे भी आप देख रहे हैं उसको लेके आप उसको वीडियोस को ही सुन के उसके पीछे पीछे बोल के यू ट्राई टू प्रैक्टिस। मोर यू लिसन मोर यू विल अंडरस्टैंड एंड द मोर यू प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू स्पीक इन अ बेटर वे एंड मच मोर क्विकली एंड यू विल लर्न मच मोर फास्टर। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस आपको ज़रूर होना चाहिए। सो हमने और एक बात मैं आपको कहना भूल गई कि आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे आपको नए वीडियोस की अपडेट नहीं मिलेगी और प्लीज़ कोई भी वीडियो मिस ना करें। सो हमने अपने पिछले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हमने करा था नाउन नंबर सिंगुलर एंड प्लूरल। इस वाले में हम करेंगे जेंडर, नाउन जेंडर। सो जेंडर क्या होता है? जेंडर नाउन्स कैन बी कैटेगराइज इनटू फोर जेंडर्स। ये कौन से फोर जेंडर्स हैं? नाउन को हम फोर जेंडर्स में हम कैटेगराइज करते हैं। ये कौन कौन से हैं? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूटर जेंडर और कॉमन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या है? मैस्कुलिन जेंडर जो मेल, जो आदमी, जो नर से ताल्लुक़ रखता है। फेमिनिन जेंडर क्या है? जो कि मादा, नारी से संबंध रखता है। और कॉमन जेंडर क्या है? इसको जो दोनों सब चीज़ का कॉमन हो, ना मेल है ना फीमेल है, दोनों चीज़ मतलब दोनों का मिक्सचर हो वो चीज़, उसको हम कहते हैं कॉमन। और न्यूटर क्या है? इसको जो कि ना मेल है ना फीमेल है, नॉन लिविंग थिंग्स को हम न्यूटर जेंडर कहते हैं, जिनकी लाइफ नहीं है। और इसको हम मैस्कुलिन को हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग, और फेमिनिन जेंडर को हम कहते हैं स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर को कहते हैं उभयलिंग और न्यूटर जेंडर को कहते हैं नपुंसक लिंग। सो पहले हम लेते हैं मैस्कुलिन जेंडर। व्हाट इज मैस्कुलिन जेंडर? द नाउन बॉय रेफर्स टू अ मेल, इट इज देयरफॉर सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर। सो अ नाउन दैट इज द नेम ऑफ एनी मेल पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर, सच एज मैन, अंकल, लायन, बुल। सो वो चीज़ जो किसी नर का बोध कराती है, किसी व्यक्ति का या जानवर का, उसको हम कहते हैं पुल्लिंग, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर। जैसे आदमी, अंकल, शेर और बुल, ये सारे हुए मैस्कुलिन जेंडर। द नाउन मैरी इज द नेम ऑफ अ फीमेल, इट इज देयरफॉर सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर। अ नाउन दैट इज द नेम ऑफ एनी फीमेल पर्सन और एनिमल is said to be of the feminine gender, such as woman, औरत, aunt, auntie जिसको बोलते हैं, lioness, शेरनी, cow, गाय। So जो चीज़ जो किसी नारी का बोध कराती है, जो या नारी या व्यक्ति मतलब इंसान या पशु का बोध कराती है, जो उसको हम कहते हैं स्त्रीलिंग, यानी कि feminine gender। जैसे हो गया औरत, आंटी, शेरनी, गाय, ये सारी चीज़ें आ गई फेमिनिन जेंडर में। सो जो चीज़ें किसी नर का या मेल का बोध कराता है उनको हम कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग, और जो किसी नारी का बोध कराता है उसको हम कहते हैं फेमिनिन जेंडर, यानी कि स्त्रीलिंग। अब द नाउन बॉक्स
is the name of a thing without life. It is therefore said to be of the neuter gender, that is of neither gender. ना वो मेल है ना फीमेल है, वो एक चीज़ है जो कि विदाउट लाइफ है, उसको हम कहते हैं न्यूटर जेंडर. वो चीज़ें जो विदाउट लाइफ हैं और जो ना आदमी है ना औरत है, उनको हम लाते हैं न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में. अ नाउन विच स्टैंड्स फॉर द नेम ऑफ अ थिंग विदाउट लाइफ इज सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर. न्यूटर जेंडर को हम क्या कहते हैं हिंदी में, नपुंसक लिंग. वो नाउन जो किसी ऐसी वस्तु का बोध कराते हैं जो कि ना मैस्कुलिन है ना फेमिनिन है और जो विदाउट, जो बिना जिंदगी के हैं. डेस्क, डेस्क, टेबल, चेयर, बॉल, नाइफ, छुरी, बॉल, ये सारी चीज़ें हुई न्यूटर जेंडर जो कि विदाउट लाइफ है और ना जो मेल है और ना फीमेल है. सो अब हम आते हैं कॉमन जेंडर के ऊपर. द नाउन चाइल्ड मे बी यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल चाइल्ड. इट इज़ देयरफॉर सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर. सो वो चीज़ें जो कि ना मेल है और ना फीमेल है, जो दोनों का बोध कराएं, उनको हम कहते हैं कॉमन जेंडर. जैसे कि हुआ चाइल्ड. चाइल्ड क्या हुआ, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, इसीलिए हम उसको लाते हैं कॉमन जेंडर में. नाउंस विच में बी यूज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर सेट टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर. लाइक फ्रेंड. फ्रेंड क्या हुआ, फ्रेंड हुआ, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, इसीलिए वो हुआ कॉमन जेंडर. कजन. कजन हमारा मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लड़का या लड़की, तो उसको हम लाएंगे कॉमन जेंडर में. प्यूपल. प्यूपल स्टूडेंट. स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो वो आएगा कॉमन जेंडर में. पर्सन इंसान, व्यक्ति, वो आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, तो उसको हम लाएंगे कॉमन जेंडर में. पेरेंट. पेरेंट दोनों के लिए, माँ बाप दोनों के लिए हम पेरेंट यूज़ करते हैं, तो वो हो गया कॉमन जेंडर. आई होप आपको ये जेंडर समझ में आ गए होंगे. कितनी तरह के जेंडर हैं, फोर टाइप्स ऑफ जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूटर जेंडर और कॉमन जेंडर. पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसक लिंग. सो ये चार तरीके की हमारी लिंग हो गई. इनको हम जेंडर्स को हम कहते हैं लिंग हिंदी में. और जो मैस्कुलिन, जो मेल से रिलेटेड है पशु या व्यक्ति, वो आ गया मैस्कुलिन में, पुल्लिंग में. और जो स्त्री से रिलेटेड है व्यक्ति या पशु, वो आ गया स्त्रीलिंग में, फेमिनिन जेंडर में. और जो ना आदमी है ना औरत है और जो विदाउट लाइफ है, वो आ गए न्यूटर जेंडर यानी कि नपुंसक लिंग में. और जो आदमी में भी है और जो आदमी भी है, औरत भी है, लड़का भी है, लड़की भी है, वो आ गए हमारे कॉमन जेंडर में. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट वेल. इफ नॉट, पुट इट इन द कॉमेंट सेक्शन. कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. अगर नहीं समझ में आया है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी. और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना. नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अबाउट वॉवल्स एंड कॉन्सनेंट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज में. और इसको आपको ज़रूर देखना है, इसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा. टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, लुक आफ्टर योरसेल्फ्स. बाय एंड थैंक यू.